टेस्टोस्टेरोन मेन और वेमेन दोनों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है? ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है? कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं? कौन से हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए बेस्ट फूड्स और हर्ब्स? बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन टेस्टीज में होता है, लेकिन ये फीमेल के ओवरीज में भी थोड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। मेल्स में सेक्सुअल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट पूरी तरह से टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है। इसके अलावा स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, सेक्स ड्राइव, बियर्ड ग्रोथ, मसल मास और बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन ही जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन की आइडियल रेंज मानी जाती है 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से लेकर 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर। मींस अगर आपका टेस्टोस्टेरोन 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से कम है तो आपको लो टेस्टोस्टेरोन की कैटेगरी में रखा जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन एज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, लेकिन आजकल स्टडीज में ये सामने आया है कि टेस्टोस्टेरोन टीनएजर्स में भी कम हो रहा है। तो क्या कारण है कि टेस्टोस्टेरोन इतनी कम उम्र में ड्रॉप हो रहा है? साइंस ऐसा मानती है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कोई खास फिजिकल एक्टिविटी ना होना, बहुत स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करना, रेगुलरली जंक फूड्स खाना, प्लास्टिक बॉटल से पानी पीना और एक्सेसिव मास्टरबेशन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम करने के सबसे बड़े रीजंस हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन कितना है इसके लिए आप किसी भी रेप्यूटेड लैब से ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे आपकी बॉडी भी कुछ बहुत ही क्लियर साइंस देती है जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन शायद कम हो रहा है। आइए बात करते हैं 10 ऐसे साइंस की जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। सबसे पहला है लो सेक्स ड्राइव। दोस्तों, ये बात सही है कि लिबिडो को हाई करने में टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा रोल है। इसलिए अगर आप ये फील करते हैं कि सेक्स ड्राइव कम हो रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो ये साइन हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन कम है। स्टडीज में ये भी देखा गया कि जिन मेल्स का टेस्टोस्टेरोन कम था उनके स्पर्म का काउंट और स्पर्म की क्वालिटी भी कम थी। तो ये क्लियर है कि सीमन का प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की ही जिम्मेदारी है। समय से पहले बालों का झड़ना भी लो टेस्टोस्टेरोन का लक्षण हो सकता है। जिन लोगों को बियर्ड ग्रोथ नहीं होती उनकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन कम होने के चांसेस होते हैं। फिर अगर आपको हमेशा थका थका सा महसूस होता है, आप रात को अच्छे से सोए हैं लेकिन फिर भी हमेशा आलस सा आया रहता है, तो ये भी आपकी बॉडी का साइन हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। बाकी अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी मसल मास नहीं बन रहा, तो आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की जरूरत है। स्टडी से ये बात प्रूव होती है कि टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा तो मसल मास भी कम होगा और फैट बढ़ेगा। मेल्स में चेस्ट पे फैट एक्युमुलेट होना या पूरी बॉडी पे ज्यादा चर्बी का होना भी ये दर्शाता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। फिर अगर बोन्स की डेंसिटी कम हो, यानी बोन्स वीक हों, फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाते हों, बॉडी में पेन्स रहते हों, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है। दोस्तों, आपके मूड का भी टेस्टोस्टेरोन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपको मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, बात बात पे इरिटेटेड होना, किसी चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मेमोरी का वीक होना भी टेस्टोस्टेरोन कम होने का लक्षण हो सकता है। एक स्टडी में जिन लोगों को टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन दी गई उनकी मेमोरी पावर इंक्रीज हुई और ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन भी इम्प्रूव हुआ। मेन या वेमेन दोनों में ही अगर खून की कमी हो, हेमोग्लोबिन लो हो, अनीमिया हो, तो ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करना। तो कुल मिला के देखा जाए, ये जो 10 साइंस हैं जिन्हें अगर क्विकली समराइज करें, जैसे लो सेक्स ड्राइव, लो सीमन वॉल्यूम, हेयर लॉस, एक्सट्रीम फटीक, लो मसल मास, बॉडी फैट बढ़ना, लो बोन डेंसिटी, मूड स्विंग्स, लो मेमोरी और लो ब्लड काउंट, अगर आपको फील हो रहे हैं तो आपको शायद टेस्टोस्टेरोन का ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है। दोस्तों, लोग टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कई बार इंजेक्शंस या अननेचुरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉडी के लिए शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा फायदा दे, लेकिन इनके काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए अगर आपको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है तो कुछ ऐसे नेचुरल तरीके हैं जो आज मॉडर्न साइंस द्वारा भी प्रूव हो चुके हैं।
आइए बात करते हैं पांच ऐसे नेचुरल वेज की। सबसे पहला है एक्सरसाइज। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनने की प्रोसेस तेज हो जाती है। 2015 में एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई जिसमें ओबीज लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप ने सिर्फ डाइटिंग की जबकि दूसरे ने सिर्फ एक्सरसाइज। जिन लोगों ने एक्सरसाइज की उनका वेट भी कम हुआ और टेस्टोस्टेरोन भी ऊपर गया। वहीं दूसरे ग्रुप में जिन्होंने वेट कम करने के लिए सिर्फ डाइटिंग की थी उनका वेट तो कम हुआ लेकिन टेस्टोस्टेरोन उतना ही रहा। इससे आप समझ ही गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और एक्सरसाइज में भी वेट ट्रेनिंग करने से टेस्टोस्टेरोन सबसे तेज बढ़ता है। इसलिए आप चाहे जिम में डंबल उठाएं या अपनी बॉडी वेट से घर पे ही रोज 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा। लेग वर्कआउट्स जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बेस्ट हैं। साइंस ने ऐसा भी माना कि जो शॉर्ट इंटरवल के लिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है जैसे कि फास्ट रनिंग, स्प्रिंटिंग, इनसे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। नेक्स्ट है गुड फैट्स को डाइट में ऐड करना। दोस्तों वैसे तो हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए लेकिन हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो फैट ही है। और मैं बात कर रहा हूँ हेल्दी फैट्स की जो आपको मिलता है देसी घी, देसी गाय का दूध, पनीर, मक्खन, मलाई और दही से। आयुर्वेद की माने तो अगर आप अपनी डाइट में खीर इंक्लूड कर लें, घर पे निकला हुआ फ्रेश खोया खाएं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी बढ़ेगा। बादाम, काजू, पीनट बटर भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप खाएंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी और जिंक। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिन पर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिपेंड करती है। इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं विटामिन डी और जिंक। स्टडीज में देखा गया कि जिन लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिया उनका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा और स्पर्म क्वालिटी 74% तक इंक्रीज हो गई। जिंक के बेस्ट फूड सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, सभी दालें, सभी लेग्यूम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। अब बात करें विटामिन डी की तो स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों ने डाइट में विटामिन डी सप्लीमेंट किया उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% तक बढ़ गया। और यही नहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स में भी फायदा हुआ। विटामिन डी के लिए सन बाथिंग से बेहतर और कुछ नहीं। बाकी फूड्स में मशरूम, देसी गाय का A2 घी, दूध, दही और मक्खन अच्छे सोर्सेस हैं। तो अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो विटामिन डी और जिंक, इन दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है गुड स्लीप। अब ये भले ही सुनने में नॉर्मल लगे लेकिन ये एक मेजर कारण है जिस वजह से जो टेस्टोस्टेरोन 30-35 साल की उम्र तक बढ़ना चाहिए था वो आज 20 की उम्र से ही कम हो जाता है। जब आप रात को लेट तक जगते हैं, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स चलाते हैं तो आप अपने टेस्टोस्टेरोन को खुद कम कर रहे हैं। साइंस ने ये माना कि जो लोग 5 घंटे से कम सो रहे थे उनका टेस्टोस्टेरोन 25% कम हो गया। साइंस ये भी मानती है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम बेस्ट होता है स्लीप क्वालिटी के हिसाब से। आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा और कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होने लगेगा और कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा ही, क्योंकि कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक सीसॉ की तरह है। इसलिए हर कोशिश करके स्ट्रेस को कम करें और अच्छी नींद स्ट्रेस कम करने का एक नेचुरल तरीका है। फाइनली बात करते हैं नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की। आयुर्वेद की संहिताओं में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की भरमार है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अश्वगंधा। आज मॉडर्न स्टडीज ने भी माना कि अगर अश्वगंधा को डाइट में सप्लीमेंट किया तो टेस्टोस्टेरोन 15% तक बढ़ गया, स्पर्म काउंट 167% बढ़ गया और कोर्टिसोल लेवल 25% तक कम हो गया। और ये हमने देखा ही है कि कोर्टिसोल कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों अश्वगंधा दोधारी तलवार की तरह काम करता है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि जब अश्वगंधा को शतावर के साथ लिया जाए तब इसका योग और भी हेल्पफुल है धातु को पुष्ट करने के लिए। इसलिए रोज रात को सोने से पहले गुनगुने दूध के साथ आधा आधा चम्मच या एक एक गोली अश्वगंधा शतावर की 30 दिन तक ले लो और फिर ब्लड टेस्ट करवा लो, आपको असर दिख जाएगा। फिर शिलाजीत भी एक बेहतरीन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट है। साइंस आज ऐसा मानती है कि रेगुलरली शिलाजीत लेने से 20% तक टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है।
सर्दियां आ रही हैं, ये अच्छा टाइम है इसे लेने का। गुनगुने दूध के साथ एक गोली 30 दिन तक लें, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अदरक, देसी गाय के दूध से बनी खीर, दही, खोया, दूध और मक्खन भी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप टेस्टोस्टेरोन को कम करने वाली चीज़ों पर रोक लगा देंगे और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाले फूड्स और लाइफस्टाइल चेंजेस पे ध्यान देंगे तो आपका एक महीने में ही टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इससे आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगा, बॉडी फैट कम होने लगेगा और आपको अंदर से स्ट्रेंथ महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन खरीदना चाहते हैं तो मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बेबीज़ एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। बॉटल घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें ना तो सल्फेट्स, ना पैराबेंस, ना EDTAs और ना ही आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कलर्स डाले गए हैं। इनफैक्ट इसमें शिया बटर, कोको बटर और एलोवेरा जैसे स्किन फ्रेंडली हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम मार्केट के टॉक्सिक बॉडी लोशंस को अपने घर से निकालें और बेटर प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। भले ही ये एक बेबी प्रोडक्ट है लेकिन इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। कौन सी हैं वो चार चीज़ें जिन्हें रात को भिगोकर अगर सुबह खाएं तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में मदद करती हैं, जानने के लिए क्लिक करें इस वीडियो को। माई नेम इज़ विवेक, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।